चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से शनिवार को मिला इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का नया डेटा अपलोड कर दिया है। 15 मार्च के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को यह लिस्ट नई जानकारी के साथ 17 मार्च को शाम 5 बजे तक अपलोड करनी थी। चुनाव आयोग को यह रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में पेन ड्राइव में मिला था। नए डॉक्यूमेंट्स केवल बॉन्ड की तारीख, कैटेगरी, बॉन्ड नंबर्स, जारी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच, रिसीविंग डेट और क्रेडिट डेट का डेटा दिखाते हैं। हालांकि इसमें बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं है। बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए उसके पास डेटा की कॉपी नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने रजिस्ट्री को डेटा लौटाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट को यह डेटा 2019 और 2023 में दिया गया था। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की वैधता पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2023 में सितंबर तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने 2019 में भी फंड से जुड़ी जानकारी मांगी थी।